नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। बुधवार को रात 11 बजे के करीब मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है। चार मंजिला इमारत मलाड के मालवानी इलाके में जमींदोज हो गई। हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 18 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं, जिनका मलाड के ही आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल दुर्घटना स्थल पर बिल्डिंग के मलबे को जो है निकालने का काम जो है जारी है। हादसे में मारे गए 11 में से 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 से 8 बच्चे भी शामिल हैं। जो परिवार उजड़ा है इस हादसे में, उसमें 6 बच्चे और 2 पुरुष और 1 महिला जो हैं शामिल हैं। मुंबई में बुधवार को पूरे दिन हुई बारिश के बाद मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत रात 11:10 के करीब ढहकर दूसरी इमारत पर गिर गई। हादसे के बाद मलबे से 18 लोग निकाले गए थे, इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। बाकी 7 घायलों को BDBA नगर जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त इमारत में 3 परिवार रह रहे थे, इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद फायर ब्रिगेड और BMC की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घनी आबादी होने के चलते घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता संकरा है, ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। रास्ता संकरा होने की वजह से एम्बुलेंस, दमकल और JCB को भी मौके पर पहुंचने में दिक्कतें हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कहा कि आसपास की 3 इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें भी खाली करा लिया गया है। जोन 11 के DCP विशाल ठाकुर ने बताया कि हमारी टीम रात भर से रेस्क्यू में जुटी है, अभी भी मलबे में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। एक चश्मदीद शाहनवाज खान ने बताया कि हमारे फ़ोन करने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। BMC से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले एक 4 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें इससे ठीक बगल में मौजूद एक 2 मंजिला पर आ गिरी, इसमें भी कुछ लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक ही परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं। ये सभी 4 मंजिला इमारत में किराए से रहते थे। इस परिवार में जीवित बच्चे एकमात्र सदस्य मोहम्मद रफ़ी ने बताया, मैं रात को दूध लेने गया था, घर लौटा तो यह इमारत गिर गई थी। इसमें मैं अपनी पत्नी, भाई, भाभी और 6 बच्चों के साथ रहता था। बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की थी। रफ़ी ने बताया, घर की कंडीशन अच्छी थी, अगर यह खराब होती तो हम इसे खाली कर देते, हमें नहीं पता था कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। 2 लड़का, एक 15 साल का था, एक 9-10 साल का था और 4 लड़की थी। भाई का बताया ना, और भाई की औरत मेरे, मैं चला गया था दूध लेने 10:30 बजे, 10:30-11 बजे दूध लेने गया। वहाँ से लौट के आया तो घर के पास जब आया तो मेरे को फोन किया, तो घर गिर रहा है, आया तो देखा गिर गया। मैं जब आया तो गिर चुका था, मैंने दिखा नहीं। जब आए सब लोग मतलब जो है ना कोशिश किए कहाँ का है, तो ऐसा नहीं दिखे। तब जाके नहीं मतलब निकाले, जब वो ये अपना बुलडोजर आया और पब्लिक जो निकाले तो उसमें इंतकाल हुआ। हमारे परिवार में जो है ना 9 लोग का मौत हुआ, टोटल 12 थे। और हाँ, और बगल में थे पहचान करके, उनका एक लड़का ख़त्म हुआ। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को लगभग पूरे दिन बारिश हुई, इससे निचले इलाकों में घुटनों तक पानी डूब गए। पश्चिम उपनगर सांताक्रूज में बुधवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 6 घंटों में 164.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।